सूबाई वजीर प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ ख्वाजा इमरान नज़ीर की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। बुनियादी और दही मराकज़ सेहत में डॉक्टर्स की तैनाती API प्रोग्राम समेत दीगर मामलात पर ब्रीफिंग दी गई। ख्वाजा इमरान नज़ीर का कहना था कि तमाम मराकज़ सेहत में डॉक्टर्स की तैनाती की जाएगी, डॉक्टर्स को एक या दो से ज़्यादा चार्ज नहीं दिए जाएंगे। तफसीला जानते हैं सजाद हुसैन से। जी सजाद बताइएगा। बिल्कुल जी, पंजाब हेल्थ रोड मैप प्रोग्राम का जायजा इजलास में रखकर हुआ है, जिसकी सूबाई वजीर प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर ख्वाजा इमरान नज़ीर ने सदारत की है। इजलास के दौरान बुनियादी और देही मराकज़ सेहत में डॉक्टर्स की तैनाती, EPI प्रोग्राम, वर्टिकल प्रोग्राम और अस्पतालों की एग्रीडेशन पर तफसीली ब्रीफिंग देगी। इजलास की सदारत करते हुए सूबाई वजीर ख्वाजा इमरान नज़ीर ने कहा कि ईद के बाद एक एक वर्टिकल प्रोग्राम की कारकर्दगी इनिशिएटिव पर तफसीली ब्रीफिंग लूंगा। उन्होंने कहा कि तमाम मराकज़ सेहत इस हवाले से तमाम मराकज़ सेहत में फर्शनास और जिम्मेदार डॉक्टर की तैनाती खास मुद्दत तक जो है वो की जाएगी। डॉक्टर्स को एक या दो से ज्यादा चार्ज नहीं दिए जाएंगे। ख्वाजा इमरान नज़ीर का कहना था कि लाहौर और रावलपिंडी के अर्बन स्लम्स में पोलियो मुहिम में रह जाने वाले बच्चों के लिए नया मैकेनिज्म जो है वजह किया जाएगा। सूबाई वजीर सेहत ने कहा कि पोलियो समेत दीगर आपकी आगाही कम्पेन में रवायती तरीकों से हटकर मौसर पैगाम शामिल किए जाएंगे। ख्वाजा इमरान नज़ीर ने कहा कि आवाम को मुकामी सतह पर सेहत की सहूलियात फराहम करने के लिए लेडी हेल्थ वर्कर्स, लेडीज हेल्थ विजिटर की कैपेसिटी बिल्डिंग की जाएगी और पंजाब हेल्थ रोड मैप प्रोग्राम में महकमा सेहत के अफसरान समेत निजी शोबे के माहरीन मौजूद थे। जी जी ठीक है सजाद, शुक्रिया आपका।